हेलो मैडम, हेलो मैडम देखिए टिकटॉक पे 3 दिन से वीडियो डाली है, कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं। आई एम वेरी सैड मैडम, आप कुछ करिए। बहुत तेज हो रहे हैं सर। आप बताइए अभी कितने व्यूज हैं आपकी एक वीडियो सेकंड पर? मैडम, ये इंग्लिश में लिखा ओ लिखा वहां पे। सर वो ओ नहीं, वो जीरो होता है। मैं समझ गया मैडम, साफ ही बेइज्जती। तो मैडम आप करिए कुछ, क्या करें, ऐसे हम कैसे स्टार बनेंगे? सर आपने सेटिंग वगैरह की होगी मैडम, आई एम मैरिड, वैसे भी कोरोना चल रहा है, बाहर रेस्टोरेंट बंद है, मैं कहीं जा नहीं सकता। यू शट अप। ओके मैडम, पर मैडम आप बताइए ना, हम क्या करें, हम टिकटॉक करें, हम क्या करें, हमारी परेशानी हमारी टेंशन दूर करिए। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। आप अपने फोन में जाइए। मैडम ये बहुत छोटा है, मेरा सिर बहुत बड़ा, मैं कैसे जाऊं? सर फोन में टिकटॉक में जाइए। ओके मैडम, ये चला गया। सर टिकटॉक को प्रेस कीजिए। कर दिया सर, उसमें डिलीट की ऑप्शन आ रही होगी। जी जी जी, सर उसको भी दबा दीजिए। दबा दिया जी। ये तो टिकटॉक ही चला गया। सर टिकटॉक नहीं चला गया, आपकी टेंशन ही चली गई। ओ थैंक यू मैडम, सो जाती है आप तो आराम से। नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, आज मेरा वीडियो का वीडियो है ये यहाँ के हिंदुस्तान के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे मतलब बहुत ही दुख हुआ मुझे ये देख के। आज कल मैंने देखा एक्चुअली रात में कि कैरी मिनाटी करके कोई है चैनल, यूट्यूबर है, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मतलब बड़ा चल रहा है उसका, अच्छा खासा नाम है। ये आमिर सिद्दीकी है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, कैमरा फेस करना आता नहीं है, अतरंगी बाल करता है, अतरंगी दाढ़ी की बेहुरमती करता है। बस अल्लाह उसको नेक हिदायत दे, हमारा भाई है, सिद्दीकी है, पता नहीं नकली है, शायद नकली है, लेकिन कभी काले बाल, कभी लाल बाल, कभी हरे बाल, कभी साला पता नहीं कौन से कलर बाल। वो वहाँ पे रह के आया है ना बेचारा, रशिया में, वहाँ भी लोग कुछ वैसे ही है। सारे टिकटॉकर की इज्जत उछाल रहा है ये बंदा आमिर सिद्दीकी। रमज़ान का महीना है, कोरोना में लोग परेशान हैं, रोज़े इबादत सही से हो नहीं रही है कोरोना के चक्कर में, और ये साला यूट्यूबर को बोलता है कि कंटेंट कंटेंट कंटेंट। अरे मेरी भाई, अरे मेरे जान, कंटेंट यूट्यूबर को तुम क्या सिखाओगे यार? यूट्यूब पर टिकटॉक का प्रमोशन होता है या टिकटॉक पर यूट्यूब का प्रमोशन होता है? थोड़ा इसको अपने भेजे में डाल देना। आज तक टिकटॉक पर यूट्यूब का प्रमोशन हुआ है? नहीं ना। तो कंटेंट तो बिल्कुल मत सिखाओ मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल मत सिखाओ यूट्यूबर को, वो बहुत आगे है, समझ रहे हो? हाँ, वो जो कैरी मिठाई जो है गाली गलौज दिया है उसने, वो उसको गाली गलौज नहीं देनी चाहिए थी, और सारे टिकटॉकर को उसको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो आमिर तो टिकटॉकर है नहीं पहली बात। वो तो उसको तो बस तुम फुटेज लेना जान लो, कभी 07 के नाम पे फुटेज, कभी उसके नाम पे फुटेज, कभी एजाज भाई के नाम पे फुटेज, कभी किसके नाम पे फुटेज। अभी साला पूरे टिकटॉकर को बदनाम कर कर ये साला फुटेज ले रहा है, समझ रहे हो? थोड़ा आप भी इससे क्या है, वो जो आते हैं ना ध्यान से देखो इस शख्स को, आमिर सिद्दीकी को, वो कौन सा आता है, वो एबीपी पे आता है ना, वो आजकल क्या है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आमिर सिद्दीकी के नाम पे वो सनसनी बना ले, क्योंकि ये क्या है, साला इज्जत उछाल रहा है सारे टिकटॉकर की। ये टिकटॉकर बेचारे इतने मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके कंटेंट बनाते हैं, हाँ, और उसके बाद में जाके 10 मिनट, ये 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड की वीडियो बनाते हैं। इतनी मेहनत मैं देखता हूँ उनको, बेचारे कितने मेहनत करते टिकटॉक वाले, और ये साला इन सब की इज्जत दाव पे लगा के वो यूट्यूबर को पंगा लेता है। तुमको बोला किसी ने कि यूट्यूबर को बोलो कंटेंट के बारे में? अरे बेटा तेरे को पता है कंटेंट क्या होता है? आमिर सिद्दीकी तूने ज़िंदगी में कभी कंटेंट बनाया है क्या? बनाया तो बोल दे, तेरे कितने फॉलोवर है बे टिकटॉक पे? कुछ लाख रहेंगे, वो भी उसके 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 मिला के जोड़ के फुटेज तू लेता है। तुझे तो कुछ एक्टिंग का ए नहीं आता है, कैमरा कभी फेस किया है मेरी जान? कैमरा के स्पेलिंग तेरे को आती है? आती है तो बता दे। कभी वो लड़कियों को कभी ये कर ले, कभी वो कर, सबको तू बेइज्जत करता है। अगर आप लोग इस आमिर की वीडियो देखें ना, इसके साथ में जितने भी लोग रहते हैं ना, ये सबके सबको हल्के में लेता है। ये साला तोप है, तुर्रम खान है, आता जाता कुछ नहीं, साला गिलास तोड़ते रहता है बाहर आने का। आमिर मेरा भाई सुधर जा, सुधर जा, अभी नहीं सुधरा तो कभी नहीं सुधरेगा, सब तुझे कुत्ता बना के मारेंगे। टिकटॉक वाले बहुत मेहनत करते और यूट्यूबर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते,
समझ रहे हो मेरा भाई, तो मत कर ये सब चीजें आमिर, मत कर, सुधर जा। रमजान का महीना है, अपनी गुनाहों की माफी मांग ले, अल्लाह के पास जाके माथा टेक ले, तेरे को क्या है बख्शिश मिल जाएगी। सारे टिकटॉकर को बदनाम मत कर, टिकटॉकर की घूम गई ना सब, सबकी अगर घूम गई तो तुझे मुंबई में रहने नहीं देंगे। सबकी इज्जत को दांव में मत कर आमिर, गलत कर रहे हो मेरा भाई, अपने फुटेज के चक्कर में, अपने अकाउंट वेरीफाई के चक्कर में ये सब मत कर आमिर, बहुत गलत कर रहे हो आमिर सिद्दीकी, संभल के रहियो, अल्लाह हाफिज। बंदा क्या कह रहा था, भूल गया मैं, क्या कह रहा था भैया जी, एंगेजमेंट। हाँ, हमारी एंगेजमेंट कुछ ज्यादा है। और क्या था, हाँ, अगर हम यूट्यूब पे आ गए तो क्या कर देंगे भैया जी, तहस नहस, खत्म। खत्म कर देंगे, कह रहा हूं उठाओ दुकान, भगलो, किसी को नहीं बताऊंगा, भगलो भगलो। और क्या बोला था, एक और बोला था कुछ, फेस वैल्यू। I'm sorry guys, I'm sorry. अब मजाक नहीं, बहुत सीरियस हो गया, प्लीज अब सीरियस। ठीक है भाई, पर वैसे वो एक और बात कह रहा था, क्या कह रहा था याद नहीं आ रहा। क्रिंज इन 200। जो एंगेजमेंट का घमंड है ना, एक मस्त फैक्ट बताता हूं मैं। 13 मार्च को मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया, 1.5 महीने में सिर्फ अपने वीडियो के पुराने क्लिप्स पोस्ट किए, 1.5 महीने में 2 मिलियन फॉलोअर्स आए टिकटॉक पे, 2 मिलियन। जो एंगेजमेंट का जो बबल है ना आपका, ये जो घमंड है ना, ये एक दिन फूट जाएगा, क्योंकि अगर हम सब यूट्यूबर्स ने अपना ओरिजिनल कॉन्टेंट, पुराना भी, टिकटॉक पे पोस्ट करना चालू कर दिया ना रेगुलरली, तो फिर बात, हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे, हम लोग क्लियर कर दे, ये ना हम लोग कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट ये वीडियो स्टोरीज नहीं डाल रहे, ये जो भी आज कैरी ने बनाया है, मैं जो बात कर रहा हूँ, दिस इज अगेंस्ट दैट स्टूपिड वीडियो, मैं लाखा मार दूंगा, मैं इधर आऊंगा तो ये